देखिए, मध्य प्रदेश को माफिया तंत्र के लोग सरकार चला रहे हैं, और जिस तरह की हालात है कि ये खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया लोगों की जान लेने से भी नहीं घबरा रहे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सत्ता को खरीद के बनाया था और माफिया तंत्र इस समय सरकार चला रहा था और माफिया के फेंके हुए टुकड़ों पे बीजेपी के लोग पड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे और आखिरी तक खरीद फरोख करने के लिए जो पैसा चाहिए उसके इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आज भी सरकार कर्ज ले रही है कि हम कर्ज लेंगे 2000 करोड़ का। मॉरल ड्यूटी क्या बनती है? सत्ता जा रही है तो कोई कर्ज नहीं ले सकते और ना लेना चाहिए। और वही माफिया तंत्र को कैसे पैसा दे, वो माफिया तंत्र लोगों की जान लेके कैसे पैसा लूटे, पर ये ध्यान रखे माफिया तंत्र और वो अधिकारी जो इनके साथ मिली भगत कर रहे हैं, 3 तारीख के बाद माफिया के खिलाफ फिर अभियान चलेगा। सारे माफिया और वो लोग जो इन माफियाओं को साथ देते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब सलाखों के पीछे रहेंगे। कोई भी ऐसी बात जिसमें लापरवाही ना हो, क्योंकि इस बार 80 साल से ऊपर दिव्यांगों के भी अलग तरीके से वोट डले, पोस्टल बैलेट से फिर अलग अलग पोस्टल बैलेटों के साथ कुछ नियम भी चेंज हुए, तो सभी प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कोई भी असावधानी नहीं बरते और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के बाद पूरा लाभ लेके कहीं ना कहीं 3 तारीख को ध्यान से रहे। कांग्रेस को ऐसा अंदेशा है क्या कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है? मतलब ट्रेनिंग करे तो इसका अंदेशा से मतलब थोड़ी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी कोई भी असावधानी 2018 में भी हमने करी थी, और कोई भी ऐसा काम जिसमें यह सोचना पड़े बाद में कि काश ये कर लेते, काश शब्द का नहीं होता, जो मन में आता है हम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, अधिकारियों को भी स्पष्ट कर चुकी है, कोई ने गड़बड़ी कोशिश करी तो 3 तारीख को इनकी सत्ता जा रही है और कांग्रेस की आ रही है। जो गड़बड़ी करेगा वो ठीक रहेगा। चाहिए वो पूरी तरीके से नदारद है, यूरिया चाहिए वो पूरी तरीके से नदारद है, और जब जब जनता को खाद की जरूरत होती है तब खाद सोसाइटियों से नदारद रहता, काला बाजारियों के पास पर्याप्त मात्रा में रहता है। वो माफिया तंत्र जो खाद माफिया मध्य प्रदेश में सरकार चला रहा है, जब हमने माफिया के खिलाफ अभियान 15 महीने में चलाया था तो सबको सोसाइटियों से खाद मिलती थी, पर्याप्त मिलती थी। आज खाद की बोरियों के वजन कम हो गए, उसके भाव बढ़ गए, और कहीं ना कहीं जो माफिया तंत्र के पास खाद है वो सोसाइटियों के अंदर होना चाहिए, पर वो माफिया तंत्र की दुकानों से मिल रहा है। स्पष्ट है खाद माफिया के रूप में किसान विरोधी ये सरकार चल रही है और इसको जनता इसीलिए उखाड़ फेंकने को कर चुकी है, और 3 तारीख को सरकार जा रही है, वापस खाद देने वाली सरकार आ रही है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।